एटम का स्ट्रक्चर पॉजिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन, और इनमें से हर एक इलेक्ट्रॉन अपने एटम को एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड करता है। इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो एटम किसका है। हाइड्रोजन एटम में भी इलेक्ट्रॉन अपने एटम को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड करेगा, कोई और है तो भी करेगा ऐसे, ठीक है। अब एटम के साथ एटॉमिक थ्योरी और मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना, दोनों थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, ठीक। अगर किसी एटम या मॉलिक्यूल के सारे ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सारे, एटम है तो एटम ऑर्बिटल्स में, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अगर ऑर्बिटल सारे ऐसे हैं कि हर ऑर्बिटल में पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, तो फिर पूरा का पूरा एटम या पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अपने आप में मैग्नेटिक डाइपोल नहीं होगा। बात समझ रहे हो इतनी? एक एटम है हीलियम, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ने जितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया उसका बिल्कुल अपोजिट उतना ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दे दिया दूसरे इलेक्ट्रॉन ने, तो नेट डाइपोल मैग्नेटिक, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ हीलियम एटम इज जीरो। हर एटम या हर मॉलिक्यूल में ऑर्बिटल्स हैं, हीलियम है, हीलियम में फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड किया हीलियम एटम को, लेकिन जितना एक ने प्रोवाइड किया एग्जैक्टली उसका अपोजिट दूसरे ने प्रोवाइड कर दिया, तो हीलियम के एटम को क्या मिला? कुछ नहीं। हीलियम के एटम का अपना नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो है। लिथियम है, लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन है, लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन है, अब तीन में से दो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में है, एक ही ऑर्बिटल में है दोनों, दोनों ने एक दूसरे के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को बैलेंस कर दिया, लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसने कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया। इसका मतलब हीलियम का अपना एटम, हीलियम का एटम अपने आप में एक छोटा सा मैग्नेट है जिसका कुछ एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जरूर होगा, लिथियम। लिथियम का एटम अपने आप में एक छोटा सा मैग्नेटिक डाइपोल है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, जीरो से ऊपर कुछ है, नॉन जीरो। और इसी तरह अगर कोई मटेरियल मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, ये प्लास्टिक है, मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ है, इसके एक मॉलिक्यूल में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, अगर उन सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो चुकी है, तो फिर इसका अपना मॉलिक्यूल का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो। और अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया है अनपेयर्ड, अनपेयर्ड, तो फिर वो मॉलिक्यूल या वो एटम अपने आप में एक छोटा सा मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है, अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल बन गया, करेक्ट। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया मॉलिक्यूल में या एटम में, तो फिर इस एटम या मॉलिक्यूल का अपना अपना एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है नॉन जीरो, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा जरूर। अगर बाय द वे दो रह गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और दोनों एक ही डायरेक्शन में दे रहे हैं, याद कीजिए जब आप फिलअप करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन पी एक्स पी वाई पी जेड में जाता है, और इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन सेम होते हैं, तो अगर तीन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और सेम उनके स्पिन है, तो ये तीनों ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोवाइड करेंगे एटम को एक ही डायरेक्शन में, तो फिर ये ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेट बन जाएगा, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। क्लियर हो इतनी बात? दो तरह के मटेरियल हो गए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेस पर। पहले वो मटेरियल जिन मटेरियल्स के अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो है। बड़े लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं, बड़ी घुमावदार बातें हैं, अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। दो तरह के मटेरियल हो गए, एक वो मटेरियल जिसके अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो है, और दूसरे वो मटेरियल जिसके अपने हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है।
अब यह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। आयन के साथ भी वैसे का वैसे रहेगा। अगर किसी आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो वो आयन अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी शो करता है। क्लियर हुई बात? ये या तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नॉन जीरो, करेक्ट। दो तरह के मटेरियल हो गए बेसिकली। एक तो ऐसा मटेरियल जिसके अपने हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल जीरो फॉर ईच पार्टिकल, हर एक पार्टिकल। वो ईच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। और एक ऐसा मटेरियल हो गया जिसके हर अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में कोई ना कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जरूर है, जिस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? एरो से। याद कीजिए, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ को होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो यहां एम इज नॉट इक्वल टू जीरो किसके लिए? फॉर ईच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये वाला मटेरियल, ये सब्सटेंस, ये स्पेसिमेन भी मैग्नेट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो मैग्नेट हो ही नहीं सकता, लेकिन ये वाला मटेरियल मैग्नेट हो जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं होता? इसके लिए जरूरी नहीं है क्योंकि इसके मैग्नेटिक डाइपोल आपस में रैंडमली ओरिएंटेड है। रैंडमली ऐसे ओरिएंटेड है कि एक का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, दूसरे का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तीसरे का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो क्या हुआ कि नॉर्थ पोल से, मैंने उल्टा बना दिया, साउथ से नॉर्थ होता है ना, ये साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकला। थोड़ा बड़ा बना दूंगा इसको, ये आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया। कहां से? साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो इस मैग्नेटिक डायपोल से निकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इन्हें सामने साउथ दिखाई दे रहा था, चली गई, फिर इसके अंदर गई, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, सामने साउथ दिखाई दे रहा था, फिर चली गई, यहां से निकली, नॉर्थ से साउथ दिखाई दे रहा था, चली गई, और क्लोज कर्व बन गया इसका, क्लोज कर्व बन गया। तो हम क्या कहेंगे कि इन सारे के सारे डाइपोल्स की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से जो बन रही होंगी, वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कन्फाइंड हैं। कन्फाइंड है कहां? विद इन द स्पेसिमेन। ये चाहे कितना भी छोटा स्पेसिमेन क्यों ना हो, छोटा सा टुकड़ा क्यों ना हो, चाहे मच्छर की टांग पे पड़ा हुआ प्लास्टरी क्यों ना है ये, लेकिन इस छोटे से पार्ट में भी, इस छोटे से पार्टिकल के अंदर भी जो भी मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं इसके अपने कंस्टिट्यूएंट, वो सब रैंडमली ओरिएंटेड है। और कुल मिलाकर के पूरे स्पेसिमेन का, पूरे के पूरे स्पेसिमेन का भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो है। यहां यहां तो कुछ हो ही नहीं सकता, यहां तो पूरे स्पेसिमेन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो ही होना है, पूरे स्पेसिमेन का, पूरे इस पीस का, पूरे इस टुकड़े का। लेकिन जिस टुकड़े में, जिस पीस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं, उसका भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो ही होना है। क्यों? क्योंकि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट डायपोल आपस में रैंडमली ओरिएंटेड है, फॉर्मिंग क्लोज चेन्स। समझ आई इतनी बात? हाँ, यस। इस स्पेसिमेन के लिए, पूरे के पूरे स्पेसिमेन का एज ए होल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो है, जबकि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने आप में छोटे छोटे से मैग्नेट है, लेकिन सारे एक दूसरे के साथ रैंडमली ओरिएंटेड है। इस तरह ओरिएंटेड है कि एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्पेसिमेन के निकल के बाहर नहीं आ रही। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर नहीं आ रही, हमें कोई मैग्नेटिक इफेक्ट इसका दिखाई नहीं देगा। मैग्नेटिक इफेक्ट कब दिखाई देगा? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा अपने चारों तरफ। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं कर रहा, क्योंकि इन सब के अपने अपने मैग्नेटिक फील्ड जो बने हैं, उन मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
स्पेसिमेन के अंदर ही कन्फाइंड हो गई, बंद हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कन्फाइंड है, बंद है स्पेसिमेन के अंदर, इसलिए स्पेसिमेन एज ए होल इसका पूरे का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो है। क्लियर हो इतनी बात? बेसिकली ये दो तरह के मटेरियल हैं, इनमें से इस मटेरियल को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल और इसे बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, समझ आई थी बात? पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल। एक और मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं मेनली फेरोमैग्नेटिक, वैसे तो और कई सारे तरीके होते हैं लेकिन मेनली हम तीन पढ़ेंगे। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या हुआ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या हुआ, देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी यही है, डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरह फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने आप में डाइपोल है, लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज आ गया, थोड़ा सा चेंज आ गया, क्या कि जो कंस्टिट्यूएंट डाइपोल्स हैं इन्होंने मिलकर के ग्रुपिंग कर ली। कैसी ग्रुपिंग कर ली, कि इस रीजन में आने वाले सारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक ही तरफ को मूव करके खड़े हो गए, सबके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में आ गए। तो अगर ये छोटा सा टुकड़ा इसमें से निकाल लिया जाए, अगर ये छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया जाए तो इसका अपना एक साउथ पोल होगा और अपना इसका एक नॉर्थ पोल होगा, करेक्ट। अब ये जो छोटा सा रीजन बन गया जिस रीजन में सारे के सारे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में, वर्ड यूज करेंगे हम अलाइन, ALIGN, अलाइन हो गए, इस पूरे रीजन का नाम दे दिया जाता है डोमेन। क्या नाम हो गया इसका, डोमेन। बिल्कुल यही है, ये पैरा वाला ही है, लेकिन पैरा वाले में एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रैंडमली ओरिएंटेड था, तो यहां पर डोमेन्स रैंडमली ओरिएंटेड है। मतलब एक डोमेन ये बना तो अगले वाले डोमेन में क्या करा, ऐसे ओरिएंट हो गए। हालांकि ये छोटा सा रीजन अगर बाहर निकाल लिया जाए तो इसका अपना एक नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, लेकिन फिर क्या हुआ कि बहुत सारे डोमेन्स आपस में क्लोज चेन की फॉर्म में ओरिएंटेड हो गए। अलग से बनाता हूं मैं, देखो एक डोमेन ये वाला, इनकी शेप इररेगुलर होती, रेक्टेंगुलर नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, अजीब अजीब शेप होती इनकी, उससे अभी फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक डोमेन ये रहा, एक डोमेन ये रहा और एक डोमेन ये रहा, पता लगा इस डोमेन के सारे पार्टिकल ऐसे इकट्ठे खड़े हो गए, तो यहां बन गया साउथ पोल, यहां बन गया नॉर्थ पोल, अगले वाले डोमेन के पार्टिकल्स अलाइन हो गए किसी और डायरेक्शन में, यहां इसका साउथ बन गया, इसका नॉर्थ बन गया, अगले वाले डोमेन के पार्टिकल्स अपने आप को अलग ओरिएंट करा, यहां इसका साउथ पोल बना, नॉर्थ पोल। तो अब क्या हुआ, इस नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ में गई अगले डोमेन के, बराबर वाले डोमेन के, फिर नॉर्थ से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ में गई, फिर नॉर्थ से निकलने वाली, और फिर से क्या हुआ, फिर से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो सब की सब इस स्पेसिमेन के अंदर कंफाइंड होकर रह गई, इस स्पेसिमेन के बाहर निकलकर नहीं आए। तो यहां भी आपका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। आज मैं, मुझे बड़ी मजबूरी है कि मुझे चाइनीज लैंग्वेज ही यूज करनी पड़ रही है, अब क्या करें, यही बात है इसके अंदर, तो ऐसे ही इसको बोलना पड़ेगा। हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अपना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, लेकिन पूरे स्पेसिमेन का, पूरे स्पेसिमेन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो है। ठीक है, पैरा में, डाया में और फेरो में क्या अंतर है, कि डाया में, ओ सॉरी पैरा में, अरे उल्टा बना दिया मैंने, ये उल्टा लिख दिया, इट इज डाया, इट इज पैरा। तो पैरा में और फेरो में क्या अंतर है, कि पैरा में तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रैंडमली ओरिएंटेड थे, यहां कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रैंडमली ओरिएंटेड नहीं है बल्कि डोमेन्स रैंडमली ओरिएंटेड है। इस तरह से ओरिएंटेड है कि हर एक डोमेन की मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर ही अंदर कन्फाइंड रहती, बाहर निकलकर नहीं आती, तो पूरे के पूरे स्पेसिमेन का एज ए होल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो। ठीक है,
ये सारी बातें हमने डिस्कस करी हैं कब, जबकि इनमें से कोई भी स्पेसिमेन किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज्ड नहीं है। दीज स्पेसिमेंस आर नॉट एक्सपोज टू एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तब क्या होगा, तब क्या होगा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने रख दिया डाया, डाया रख दिया, तो डाया के साथ क्या हुआ? ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने रख दिया एक डायमैग्नेटिक मटीरियल, डायमैग्नेटिक मटीरियल जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो था। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही डायमैग्नेटिक मटीरियल को आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किया, तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इनमें से ऑर्बिटल, जो एक सिंगल ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन बढ़ जाता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाता है एक्सटर्नल फील्ड के इफेक्ट से। याद कीजिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड और बाहर का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट कर देता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए बाहर का मैग्नेटिक फील्ड अपोज करता है। यानी एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन है, दो में से एक इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन थोड़ा बढ़ गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन थोड़ा घट गया। तो फिर अब क्या होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने जो अपोजिट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस किए थे एटम या मॉलिक्यूल के लिए, अब वो दोनों अपोजिट तो है, इक्वल नहीं रह पाए, एक का थोड़ा बढ़ गया एक का थोड़ा। तो अब क्या होगा, अब इस मटेरियल का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी अपने आप में एक मैग्नेटिक डायपोल बन जाएगा, क्योंकि अब दोनों इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पा रहा। समझे, जब तक मैग्नेटिक फील्ड से बाहर था तब तक इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा डायमैग्नेटिक मटेरियल को, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसमें आपने रखा, किसे रखा, डायमैग्नेटिक मटेरियल को आपने यहां रखा। तो अब क्या होगा, देखिए इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे यहां, ठीक है, उन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन थोड़ा तेज हो गया, दूसरे का थोड़ा कम हो गया। तो अब दोनों ने जो इक्वल और अपोजिट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दिया था अपने एटम को, वो अनइक्वल हो गया, अनबैलेंस हो गया, पूरे के पूरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पर एक नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया। और ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आता है ये अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मतलब क्या हुआ कि इसने एक मैग्नेटिक फील्ड अपना बनाया, लेकिन कैसा बनाया इसने अपना मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसमें रखा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, समझ रहे। अगर इसका मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करूं यहां इसका, तो कैसा होगा, ये वाला पोल बन जाएगा नॉर्थ, बहुत हल्का सा नॉर्थ, और ये बन जाएगा हल्का सा साउथ, और फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहां, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी नॉर्थ से निकलती हुई, उल्टा बना दिया, यहां बनेगा आपका ये साउथ पोल और यहां बनेगा नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से उल्टी डायरेक्शन में होंगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। तो अब ध्यान से देखिए इसका होना क्या इफेक्ट है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के अपोजिट आ रही है और ये लेटरली एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती है, तो अब जिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने इस डायमैग्नेटिक मटेरियल को रखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यही मैं एक्सटर्नल फील्ड बना रहा हूं, एक बार ब्लू पेन से बना रहा हूं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये उस समय का मैग्नेटिक फील्ड बनाया जबकि आपने यहां डायमैग्नेटिक मटेरियल नहीं रखा था, और जैसे ही आप यहां डायमैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे ये अपोजिट एक मैग्नेटिज्म इंड्यूस करेगा, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहां सीधे सीधे चली जाती अगर मटेरियल डायमैग्नेटिक ना होता, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, दे टेंड्स नॉट टू पास थ्रू द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन से बाहर जाने की कोशिश करती है। क्यों करती है, अभी आपको समझ आ गया,
क्योंकि स्पेसिमेन ने अपना एक अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर लिया। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आमने सामने आ रही हैं, एक किसकी, एक तो इसकी जो इंड्यूस किया हुआ है और एक आपने एक्सटर्नल फील्ड। तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रीफर नॉट टू पास थ्रू द मैग्नेट डायमैग्नेटिक मटीरियल। समझ आई बात? अब देखिए जरा ध्यान से, क्या यहां डायमैग्नेटिक मटीरियल का अपना साउथ पोल डेवलप हुआ, यहां नॉर्थ पोल डेवलप हुआ। उल्टा ही बना दिया अभी मैंने, अभी डायग्राम उल्टा बनाया है। मैग्नेटिक फील्ड होता है कहां, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये फील्ड मैग्नेट हुआ, फील्ड मैग्नेट, जिस मैग्नेट से आपने मैग्नेटिक फील्ड यहां तैयार किया है, इंड्यूस किया है। अब इसमें आपने रख दिया क्या, एक डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल नॉर्थ के सामने नॉर्थ डेवलप करता है, साउथ के सामने साउथ डेवलप करता है। अब देखिए ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरफ को आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायमैग्नेटिक मटेरियल की तरफ को आ रही है, करेक्ट। और इसने क्या काम किया, इसने नॉर्थ पोल से इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, किसकी, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल में नॉर्थ पोल इंड्यूस हो गया है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसे डेवलप हुए। देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहां होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ को ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ। अब ये खुद अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकालेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन सी हो गई, कौन सी वाली हो गई, खुद इसकी अपने डायमैग्नेटिक मटेरियल की। ध्यान से देखिए, यहां दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के अपोजिट आ रही है, तो जो एक्सटर्नल फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इन सामने आने वाली इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बचने के लिए क्या होगा, अब ये बाहर की तरफ जाना, बाहर से कोशिश करेंगी कि इस मटेरियल से बच के निकल जाओ। क्यों, क्योंकि इसने खुद अपोजिट डायरेक्शन में अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया है। हालांकि इसका अपना इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होता है, बहुत वीक होता है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली कंडीशन क्या बनती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रीफर नॉट टू पास थ्रू द, नॉट टू पास थ्रू द, ठीक है। एक काम और हो जाता है यहां पर, क्या देखिए, मैंने जानबूझ के डायमैग्नेटिक मटेरियल रेक्टेंगुलर शेप में बनाया, क्यूबॉइडल शेप में बनाया, देखिए नॉर्थ के सामने नॉर्थ डेवलप हुआ, साउथ के सामने साउथ डेवलप हुआ, ये नॉर्थ नॉर्थ आपस में रिपेल करेंगे, साउथ साउथ आपस में रिपेल करेंगे, तो फिर क्या होगा, अगर बाय द वे आपका ये मटेरियल, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल जो भी आपने रखा, अगर बाय द वे ये मूव करने के लिए फ्री है, अगर ये मूव करने के लिए फ्री है, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पर जाने की कोशिश करेंगे, अगर ये घूमने के लिए या फ्री है, तो कंडीशन कैसी बन जाएगी, तब आपकी कंडीशन बनेगी कैसी, तब आपकी कंडीशन ऐसी बनेगी कि ये डायमैग्नेटिक मटेरियल अपने आप को परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन कर लेगा, ताकि इन यहां भी नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, साउथ डेवलप हो जाएगा, तो फिर क्या हो कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पर है, कोशिश ये रहेगा कि नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस रहे, साउथ और साउथ के बीच में ज्यादा डिस्टेंस रहे। और अब कुल मिलाकर कंडीशन क्या बनेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये कंडीशन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आपने इसे रखा है, इट प्रीफर नॉट टू पास थ्रू, एक आध मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो जाएगी इसके अंदर से भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रीफर नॉट टू पास थ्रू द डायमैग्नेटिक मटीरियल। और साथ में क्या हुआ, इफ दिस डायमैग्नेटिक मटीरियल इज फ्री टू मूव, इट विल अलाइन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो लंबाई होगी, वॉट एवर बी द लॉन्गेस्ट एक्सिस ऑफ मेटीरियल स्पेसिमेन विल बिकम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर बाय द वे यहां से ये निकल के भागने के लिए फ्री है, ये डायमैग्नेटिक मटीरियल आपने लिखा रखा यहां, और बाय द वे कुछ ऐसा कंडीशंस बन रही कि ये मटीरियल निकल के भाग सकता है, तो ये पूरी कोशिश करेगा मैग्नेटिक फील्ड से निकल के भाग जाऊं। अभी अभी हमने ये क्या बनाया कि जब ये मटेरियल डायमैग्नेटिक स्पेसिमेन, ये डायमैग्नेटिक स्पेसिमेन है, आपने यूं रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में और इसे छोड़ दिया, छोड़ा इस तरह से कि निकल के बाहर नहीं जा सकता, घूम सकता है, तो ये अपने आप को क्या कर लेगा, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जो इसकी लेंथ है, लॉन्गेस्ट एक्सिस है, इट विल बिकम परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड।
और अगर भाई दिवे ये मैग्नेटिक फील्ड से निकलकर बाहर जाने के लिए फ्री हो तो ये कोशिश करेगा मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्पेसिमेन के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड से वीकर हो गया। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रीफर नॉट टू पास थ्रू स्पेसिमेन। अंदर से बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज लेस देन द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इट। कब? जब इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। क्लियर हुई इतनी बात? अगर ये फ्री है यहां से भागने जाने के लिए, तो क्या होगा, निकल के बाहर जाने की कोशिश करेगा, या फिर पूरी कोशिश करेगा कि स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से निकल के वीकर मैग्नेटिक फील्ड में आ जाओ। अगर आपने इसको एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, एक ऐसे, अब चलो हम टेबल बनाएंगे, उसमें सब बनाएंगे फिर से, समझ आ गई इतनी बात? अच्छा, पैरा मैग्नेटिक मटीरियल के लिए क्या होगा? पैरा मैग्नेटिक मटीरियल के लिए इसका उल्टा हो जाना, उसमें तो ऑलरेडी डाइपोल्स है बने हुए। पैरा मैग्नेटिक मटीरियल में क्या है? ऑलरेडी डाइपोल्स है, बस वो डाइपोल कैसे थे? रैंडमली ओरिएंटेड थे। ये एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू कर देंगे। ये देखिए, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिमेन। पैरामैग्नेटिक मटेरियल अभी यहां नहीं रखा हुआ। जब आपने इसके अंदर पैरामैग्नेटिक मटेरियल ये रख दिया, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल इधर नॉर्थ के सामने अपना साउथ डेवलप कर देगा, इधर साउथ के सामने अपना नॉर्थ डेवलप कर देगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्पेसिमेन कहां होगी? देखिए, आउटसाइड स्पेसिमेन तो ऐसी जाएंगी, लेकिन इनसाइड द स्पेसिमेन कहां होगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी। तो फिर यहां इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और कुल मिलाकर कंडीशन कैसी बनेगी? कुल मिलाकर कंडीशन ऐसी बनेगी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस दे प्रीफर टू पास थ्रू द स्पेसिमेन। आसपास की मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इसके अंदर आने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी हाई है, हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है इसकी, पॉजिटिव होती है। भाई नॉर्थ के सामने साउथ डेवलप हो गया है, तो फिर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस वाले साउथ में क्यों जाए जब इसे नजदीक का साउथ दिखाई दे रहा है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यही आने की कोशिश करेगी। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्पेसिमेन इज ग्रेटर देन द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इट। क्लियर हो इतनी बात? और फिर वही बात कि अगर ये आपका रेक्टेंगुलर है या किसी और शेप में है, तो इट विल टेंड्स टू अलाइन इट्स लॉन्गेस्ट एक्सिस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ताकि यहां इसका नॉर्थ और ये साउथ एक दूसरे के ज्यादा से ज्यादा नजदीक आ जाए, यहां ये साउथ और ये नॉर्थ एक दूसरे के ज्यादा से ज्यादा क्लोज आ जाए। इट टेंड्स टू अलाइन इट्स लॉन्गेस्ट एक्सिस पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड इसको वेरिएबल मिल रहा है, तो फिर ये क्या कोशिश करता है? वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने की कोशिश करेगा, अगर ये फ्री है चलने के लिए। तो समझ आई? अब हम तीनों की कंपेरेटिव स्टडी करेंगे टेबल की फॉर्म में। टेबल बना लीजिए। अच्छा, ध्यान दीजिए कि हमारे तीन मटेरियल है, तीन मटेरियल है, डाया, पैरा और फेरो। बस तीन की स्टडी आपके सिलेबस में है। और ये जो पैरा और ये जो फेरो है, ये फेरो का बड़ा भाई है, ये फेरो का, फेरो जो है पैरा का बड़ा भाई है। जैसा पैरा के साथ होता है, वैसा ही एग्जैक्टली फेरो के साथ होता है। बस डिफरेंस क्या है, यहां इंडिविजुअल डाइपोल्स होते हैं और यहां डोमेन्स हैं। तो उस डोमेन्स के कारण जो भी प्रॉपर्टी होती है पैरा की, वही सारी प्रॉपर्टी फेरो की, लेकिन मच स्ट्रॉन्गर, मच स्ट्रॉन्गर। फिर से समझ लो एक बार, आपने ये एक पैरामैग्नेटिक मटीरियल है, कौन सा है? पैरामैग्नेटिक मटीरियल है, और आपने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? इसके अंदर आने की कोशिश करेंगी। अगर इसी जगह आपने फेरो रख दिया होता, अगर इसी जगह आपने क्या रख दिया होता, फेरो, तो इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी इतनी जबरदस्त है कि दूर दूर से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? इसी के अंदर आ जाएंगी। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत 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 स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो सब कुछ वैसे ही जैसे किसके साथ होता है, पैरा के साथ, लेकिन जो भी प्रॉपर्टी पैरा की है वही हजारों गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है किसकी? फेरो। क्लियर है बात? अब एक टेबल हम ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें तीनों की कंपेरेटिव स्टडी करेंगे। पहली प्रॉपर्टी, पहले कॉलम में प्रॉपर्टी, दूसरे कॉलम में डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसके पार्टिकल में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसमें एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर मिलेगा। डाइपोल मोमेंट, हर एक पार्टिकल का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है और पूरे के पूरे स्पेसिमेन का भी जीरो है। यहां हर एक पार्टिकल के लिए ग्रेटर देन जीरो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के लिए, लेकिन पूरे के पूरे स्पेसिमेन के लिए जीरो है, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं फॉर्मिंग क्लोज चेन्स। ठीक है, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसे एक्सपोज करते हैं, किसे एक्सपोज करते हैं, डायमैग्नेटिक को, तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड अप्लाइड। ये अपना मैग्नेटिज्म एक्सटर्नल मैग्नेटिज्म के अपोजिट करता है और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई बहुत छोटी होती, बहुत हल्का सा मैग्नेटाइज होता, नहीं के बराबर निगेटिव में, तो आई की वैल्यू निगेटिव है, स्मॉल निगेटिव, और ये मैग्नेटाइज हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अप्लाइड और इंटेंसिटी बहुत इससे ज्यादा होती है। क्लियर है? चलो बनाओ, इतनी करो पहले। ये ससेप्टिबिलिटी, इसके लिए ग्रेटर और इक्वल टू माइनस वन, लेकिन जीरो से कम कम होगी, मतलब जीरो से लेके माइनस वन के बीच में। और यहां परमिटिविटी जीरो से ऊपर ही होती, पॉजिटिव है लेकिन म्यू से कम होती है। ध्यान देखो, क्वेश्चन में ऐसे भी आ जाता है कि आपको एक मटेरियल कहा कि इसकी ससेप्टिबिलिटी स्मॉल निगेटिव है, तो बताओ कैसा मटेरियल है ये? आपको यहां से याद रखना पड़ेगा, अगर स्मॉल पॉजिटिव है तो फिर वो है पैरा, और अगर स्मॉल निगेटिव है तो डाया, और लार्ज पॉजिटिव होगी तो फेरो बन जाएगा। ठीक है, अब ये आपका हुआ कब, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको एक्सपोज कर रहे हैं, तो यहां अपोजिट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। ये आउट, ये आपका विदाउट पहला वाला बना हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, और ये जब आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया इसमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। यहां इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड दो, ये आपके इंडिविजुअल डाइपोल्स क्लोज चेन की फॉर्म में बने हुए होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था हमने। यहां क्लोज चेन इस तरह से बनी हुई होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर ही कन्फाइंड हो जाए, और एक डायपोल दो या दो से ज्यादा चेन का भी पार्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे उसमें पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले में, और जब आपने इसे एक्सटर्नल फील्ड में एक्सपोज किया तो फिर ये डायपोल इंड्यूस नहीं हुआ, यहां डायपोल अलाइन हो गए। कितने हद तक अलाइन हो जाएंगे डिपेंड करेगा आपकी मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितनी स्ट्रांग है और खुद इसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी है। करेक्ट, बनाओ इसे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायमैग्नेटिक के लिए प्रीफर नॉट टू पास थ्रू, जितना भी हो सकेगा ये इससे बच के निकलने की कोशिश करेंगे, और यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रीफर टू पास थ्रू द स्पेसिमेन, इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगी। ओके, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द स्पेसिमेन, यहां आपको दिखाई दे ही रहा है कि अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से बहुत कम होता है, लेस देन आउटसाइड इट, और यहां अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर होती है तो ग्रेटर देन आउटसाइड। उसके बाद अगर ये फ्री है मूव करने के लिए, सेट फ्री टू रोटेट इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट सेट लॉन्गेस्ट एक्सिस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जो सबसे बड़ी लंबाई होगी उस लंबाई को ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कर लेगा और यहां पैरेलल कर लेगा। ठीक है, कीजिए ये सब। अब अगर ये मटेरियल आपका इतना मूवेबल है कि मैग्नेटिक फील्ड से बाहर या अंदर आ सके, इफ द मटेरियल और सब्सटेंस इज फ्री टू मूव, जैसे कि ये पैरामैग्नेटिक लिक्विड है, ये डायमैग्नेटिक लिक्विड है, पैरामैग्नेटिक लिक्विड है, तो आपने इसे यूट्यूब में भरा। अब देखिए ध्यान से, जब तक मैग्नेट नहीं लगाएंगे तब तक दोनों तरफ लेवल इक्वल रहेगा बना हुआ। जैसे ही आप किसी एक साइड पर मैग्नेट लगाते हैं तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है और ओपन है दोनों तरफ से ट्यूब, इसलिए यहां लिक्विड का लेवल नीचे चला जाएगा। लिक्विड जो इस रीजन में था वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलकर नीचे चला जाएगा, तो दूसरी आर्म में लिक्विड का लेवल ऊपर हो जाएगा। इसी तरह से ये पैरामैग्नेटिक है, ये बाहर से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आने की कोशिश करेगा, तो जहां आपने मैग्नेट लगाया वहां खींचा चला आएगा, इधर लेवल ऊंचा हो जाएगा, दूसरी साइड लेवल नीचा होगा।
बताइए इसे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर आप डायमैग्नेटिक मटेरियल को हल्का सा गर्म कर दें तो इसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो जाती है और इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। लेकिन अगर पैरामैग्नेटिक को आप थोड़ा सा हीट अप कर दें तो रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है और फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कम हो जाएगा, ज्यादा रैंडम हो जाएंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, रैंडमनेस बढ़ जाती है, आपको केमिस्ट्री में पता होगा। तो फिर इसकी ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किससे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। जल्दी से लिखिए दोनों पॉइंट, फिर थोड़ा सा बचा उसे कंप्लीट करते हैं। ये डायग्राम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद इंक्रीज इन मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये एक्स एक्सिस पर लिया आपने मैग्नेटाइजिंग फोर्स और वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो पैरामैग्नेटिक के लिए जैसे जैसे आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ाते रहेंगे, सॉरी मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होती है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटीरियल के लिए थोड़ा सा मैग्नेटाइजिंग फोर्स इंक्रीज करेंगे, एकदम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाती है और एक सर्टेन फोर्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स के लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद आप कितना भी बढ़ा लो, सारे डोमेन जब अलाइन हो चुके तो फर्दर इंक्रीज नहीं होगा इसमें। और डायमैग्नेटिक के लिए जैसे जैसे आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज बढ़ाते हैं वैसे वैसे इंटेंसिटी सॉरी मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज होती है लेकिन निगेटिव होती है, तो इसलिए इसका ग्राफ नीचे का है। ये डायग्राम एग्जाम में बनाने के लिए आ चुका है। कीजिए देखिए, यहां जब आपकी मैग्नेटाइजिंग फोर्स है तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के सारे डोमेन रैंडमली ओरिएंटेड है। आपने मैग्नेटाइजिंग फोर्स इंक्रीज करी तो डोमेन अलाइन होने शुरू हो गए, और ज्यादा इंक्रीज करी और तेजी से अलाइन हुए। एक टाइम ऐसा आया कि एक सर्टेन मैग्नेटाइजिंग फोर्स के लिए सारे के सारे डोमेन अलाइन हो गए। अब जितना उसमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होनी थी वो बढ़ते बढ़ते हो चुकी। अगर फर्दर आप इंक्रीज करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सॉरी मैग्नेटाइजिंग फोर्स इंक्रीज करते हैं तो सारे डोमेन तो ऑलरेडी अपने आप अलाइन हो चुके हैं, अब फर्दर कुछ बचा ही नहीं, अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज नहीं होगी। यहां हम कहेंगे आकर कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सैचुरेट हो गया, मैग्नेटिक सैचुरेशन की स्टेट आ गई इसमें मटेरियल में। अब आप कितने भी और तकड़ी फोर्स लगा लो मैग्नेटाइज और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज करने के लिए, फर्दर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं इंक्रीज होगी। बना